हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पबजी की। पीटीए वालों ने पबजी को बैन कर दिया। वाह वाह, पबजी को बैन कर दिया। अबे भाई, पबजी से अच्छा वो बकवास था टिक टॉक। वीडियो ख़त्म। इसको बैन करो ना, इसको। और कुछ मतलब ऊपर से वो अच्छा, ये टिकटॉक तो उन्होंने इंडिया में तो बैन हुआ। इंडिया का वो टिकटॉकर आमिर का बच्चा सिद्दीकी, पता नहीं क्या है, हमें एक दिन में 10 वीडियो बनाते। वाह, 10! ओ भाई, तुम्हारी वीडियो ऐसी होती है। अपलोड ख़त्म। ये वीडियो है, ऊपर से वो उनका दूसरा चौथी फेल, मतलब वो जोकरा। अब तो मैं बोल रहा हूँ, सब ये लोग ना अपना फ्रूट बेचना शुरू हो जाएंगे। आमिर सिद्दीकी केला बेचेगा, वो जोकर का बच्चा सेब बेचेगा, और वो क्या नाम है पता नहीं, रियाद, वो पता नहीं कौन है, वो दूसरा रियाद है पता नहीं कौन, वो भी वो पता नहीं, फिर वो आम बेचना शुरू हो जाएगा। तो फिर और वो क्या नाम, फैसू जिसने ज़्यादा उसका मुँह थूको यार, वो बताऊँ क्या बेचेगा वो, तो मुझे लगता है पता नहीं स्ट्रॉबेरियाँ बेचेगा वो। तो मैं तो बोलता हूँ मुँह में स्ट्रॉबेरी ऐसे घुसा दो, ऊपर से वो जन्नत जुबैरी और उसका वो पागल डुप्लीकेट भाई अयान जुबैर, जिसको ऐसा लगता है डाउनलोड करके निकाल कि बेटा तू तेरा तुम्हारा दुनिया मकसद एक ही है कि तुम्हें टिक टॉक बनानी है बस। और फिर यार भाई देखो, ऐसे बच रहे हो यार, चलो सही एक्टिंग में भेजो, सही एक्टिंग। लेकिन टिकटॉक पे भाई यार, टिकटॉक बस वीडियो ख़त्म हो जाती है इनकी। वो इनकी टिकटॉक मैंने देखा है, मैंने 14 साल के बच्चे आते हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया। अबे भाई, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो हो जाए, हमें क्या, और तुम्हारी और क्या तुम्हारी उम्र, बच्चे जाके PS5 का सोचते हैं, PS4 का सोचते हैं, मतलब जो 20 अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं 12 साल का हूँ, और मैं भाई मतलब मैं बोलता हूँ यार, हमें कुछ PS5 का रिलीज़ होगा, मैं हम इस चीज़ का वेट करता हूँ, ये करते हैं, हम बड़े कब होंगे, हमारी शादी कब होगी, ये लोग इन चीज़ का वेट करते हैं। अबे भाई, जब बेवजह क्या है लड़की, आज के बाद मैं तो जैसे देसी से बात नहीं करूँगा, देसी फकीर जाहिल गवार कहेंगे। जा निकल भाई, देसी हूँ गवार नहीं। बस खत्म टिकटॉक बस, आपको टिकटॉक ख़त्म ना, यही करते हो तुम लोग, ये होता है इनके टिकटॉक में। और फिर वो चश्मदीन औरत आएगी, घंटे लग जाते मुझे तो पता नहीं दूसरों का क्या, मुझे तो 4 घंटा। हाँ, ये करने में तुम्हें 4 घंटे लगते हैं। वाह भाई, क्या ये 4 घंटे? और आपको पता है, जो टिकटॉक के सपोर्टर हैं ना, वो भी बहुत पागल है। मेरा मतलब यहाँ पे हमारे पड़ोसी है मेरे, वो मतलब उनके बेटे मेरे दोस्त हैं सही, तो फिर वो 3 कज़न हैं, तो उनकी आप बातें तो सुनो। अबे नहीं भाई, टिकटॉक है भाई ये वो, सही ना। मैंने बोला, एक बंदी बोली 4 घंटे मुझे लगते हैं वीडियो बनाने, तो बोला अबे क्या भाई, 4 घंटे तो बहुत कम है, दिन लग जाते हैं दिन। मैं बोलूँ भाई क्या हो गया, पागल है क्या, कैसे दिन लग जाते हैं, ये करते हैं, जो है यूँ करते हैं, वीडियो पॉज करते हैं, फिर अगले दिन। अबे ओ, मैंने बोला वो मतलब क्या इनकी सोच है, वो लोग भाई ये करते हैं ये, और मतलब यार इसमें क्या है, इसमें है क्या कुछ काम की, तो ये कोई चीज़ है नहीं, अरे बड़े ऐसे ही। अच्छा कहीं तभी आप बोलोगे भाई ये तुम पबजी की कोई बात ही नहीं कर रहे हो, उसकी मैं अभी अलग से आखिर में करूँगा, लेकिन गाय तभी तो मुझे भाई ऐसे टिकटॉक पे बात करनी, सिर्फ टिकटॉक। अबे है क्या ये टिकटॉक, अबे मतलब यार। और फिर से ऊपर से यार, वो जो आमिर सिद्दीकी का वीडियो देखा यार, वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है, फिर भी भाई पे ऊपर से कैरी मिनाटी का वीडियो ही मतलब ये लोग हटा देते हैं, तो यार उस बेचारे बंदा इतना मेहनत, अच्छा उसका अभी उसका जो गाना चल जल कर रहा है, इंडिया का मोस्ट लाइक वीडियो हो गया वो,
और भाई सही है यार, ये टिकटॉक तो पता नहीं क्या है, 15 सेकंड में यही दिखाते हैं और फिर बोलते हैं चार घंटे लगते, चार घंटे ये क्या पता चार, अरे क्या इसमें चार घंटे है क्या, चार घंटे तुम तो हो ही फारिक अभी। गाइस बात बताओ क्या बोलूँ यार, अभी तो भाई इन सब ने ठेले ही खोले, अपने ठेले खोले, वो उसका ठेला बर्गर का, रियाज अहमद का तो बर्गर का है, वो मिस्टर फैसी फैक थू कहीं के दिन तो कहते तेरे मुंह में, तेरे नाम की तरह तेरे मुंह में थूक फैक थू आया बड़ा टिकटॉकर। अबे क्या है तुम्हारी टिकटॉक में, है क्या तुम्हारी टिकटॉक, क्या मतलब मेरी बहन को नहीं मारेगा तुम, मारूंगा खत्म खत्म भाई खत्म, बस वो बोलेगा मैं मार रहा हूँ, वो एक मुक्का मारेगा वो बंदा जान से मर जाता है और फिर वो अपनी बहन को हैं करके ले जाता है। अबे क्या ये टिकटॉक है, ये भाई इनका ओरिजिनल कंटेंट, बंदा करके लेग पीस खा रहा है, ये इनका ओरिजिनल कंटेंट कंटेंट मतलब। टिकटॉक के लिए मैं सोचा एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी यार कई व्यूज आते हैं इस पर। अच्छा कहीं अभी हम पागलपन है पबजी पर बात है, तो पबजी को उन्होंने बेवजह बैन कर दिया है यार, मतलब वैसे कहीं मुझे नहीं लगता ये लोग परमानेंट बैन करेंगे, टेम्प्रेरी शायद बैन होगा, अभी ये टेम्प्रेरी मेरे ख्याल से ये लोग फिर इतने उनके गालियाँ दिख देंगे कि फिर उन्होंने वो भी बोलेंगे भाई हम खोल ही, मुझे नहीं लगता टेम्प्रेरी शायद ये बैन होगा, फिर मेरे ख्याल से मुझे जो मुझे लगता है ये वापस शायद खुल जाएगा। अच्छा गाइस यार नहीं, ऊपर से गाइस अभी तक मेरा पी एस को ठीक हुआ नहीं है, तो कुछ कहने के लिए अभी कुछ करने के लिए है नहीं, फिर सोचता हूँ कोई कि घर पे घर असल में मेरे घर में एक जगह जहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वहाँ पर मैं हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलता हूँ, तो सोचता हूँ उस पर वीडियो बना दो, फिर उस मतलब उस पर वहाँ पर ये कर लूँ भाई 5 मिनट तक मैं कितना दफ़ा आउट होता हूँ ये सब करूँ, पर फिर मैं भाई उधर शॉर्ट्स वॉर्ट में फिर बंदे बोलते भाई शोखियाँ मर रहे ये कर रहे वो कर रहे, शायद उस पर वीडियो बनाऊँ। अच्छा अभी यार अभी बस मेन बात करते हैं पबजी का, भाई पबजी को बैन क्यों, क्या तुम लोग ऐसे ही इनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब यार इनसे अच्छे यार बैटल फील्ड के यार, मतलब मैंने बैटल फील्ड का 1 खेला था, मतलब यार माइंड ब्लोइंग है, मैंने बैटल फील्ड का बस एक वो कौन सा पार्ट था वो मैंने नहीं खेला, बाकी यार बैटल फील्ड आला, ऊपर से रेड डेड रिडेम्पशन ऐसा लगता है GTA का गाँव का वर्जन, रेड डेड रिडेम्पशन 2 तो लगती नहीं ना, वो ऐसा लगता है GTA 5 विलेज एडिशन ये लगता है उनका, लेकिन गाइस माइंड ब्लोइंग स्टोरी रेड डेड रिडेम्पशन तो। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा PS4 सही होता है सही सलामत, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, और गाइस मुबारक हो मेरे PS5 के लिए पैसे फुल आला जमा हो रहे हैं, मुझे तो लगता है जब रिलीज़ होगा तब मैं शायद वो डिजिटल एडिशन लूँगा, जो मेरे ख्याल से अभी तो प्राइस आ रही 60,000 तक, लेकिन मेरे ख्याल तब तक तो जब तक आएगा ना पाकिस्तान वैसे अलग से टैक्स वैक्स लगाने के हिसाब से कम से कम 80-90,000 का तो हो ही जाएगा ये, तो उसके भी क्योंकि एक तो मेरे मंथली के अलग से मुझे लग रहा है 50-60,000 हो जाएंगे जमा, ऊपर से घर वाले ऊपर से PS4 को भी बेचूँगा और ऊपर से अलग से इसका PS4 को अलग से बेचूँगा और ऊपर घर वाले भी कुछ पैसे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से जब इस बार आएगा तो तब तक तो मेरे पास इतना पैसा तो जमा हो ही जाएगा। अच्छा चलो यार एक तो मैं बार बार बात से हटूँ पबजी का, भाई यार पबजी को यार मतलब मैं बोलूँगा क्यों बैन किया यार, मतलब ना कोई रीज़न अभी इस आपका मतलब पबजी जो है ना मतलब टाइम पास बहुत अच्छा होता था, मतलब उससे हाँ वो बच्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो यूँ खेलते हैं पबजी, अम्मा खेलने थे वहाँ मुँह से यहाँ जूता आता है, अबे मतलब भाई तुम पबजी खेलो क्या खेल रहे हो, ये प्रो मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना जो 12-13 लेवल पे होते हैं और ना बॉटों को मार के आ रहा था और वो जो यूँ बंदे हो रहे थे भाई आम अ प्रो अबे भाई, और अगर ना 12 लेवल ऐसे लेवल पे अगर वो 20 किल कर दे तो भाई पूरे घर में मैंने 20 किल किए ब्रो तूने कभी किए क्या ब्रो, मतलब ये होता है इनके टिकटॉक इनका क्या बोल रहा हूँ यार इनके पब्जी
अबे भाई पबजी को बेवजह बनती है। और वैसे भाई इन बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा यार, इन बच्चों को बैंड करके ये पबजी ना खेलो, जो कर जो खुद को बहुत प्रो समझते हैं वो। ऊपर से गाइस मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रो नहीं हूँ, तो मैं ऐसे भी नहीं करता कि भाई मैं देखो मानता हूँ मैं प्रो नहीं हूँ, मेरा मैं कोई गोल्ड वन पे हूँ जो कि बहुत बकवास, मतलब एवरेज से भी बहुत कम हूँ मैं। तो फिर तो भाई मैं ये तो नहीं कहता ना कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा कोई प्रो हूँ, ये हूँ वो हूँ। और कुछ बच्चे तो भाई फुल प्रो यूँ है भाई वो। अच्छा और ऊपर से अब गाइस और कुछ टॉपिक आ नहीं जा रहा था मेरे पास, तो ये जब पबजी जब बैंड हुई उन्होंने बोला है ये कुछ बन गया भाई, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस दिस इज इट, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।